a very very good evening to all of you this is sonia arora as usual we are going to continue our eighth day of important questions before this we have completed our seven days and in those seven days i provided you so many important rules so many important sentences for your speaking as well as for your grammar rules also so today we are going to continue our eighth day and before this day i am i want to tell you the answer of द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेवंथ डे जो हम लास्ट पे एंड पे लीव करते हैं एक क्वेश्चन जो आपके लिए होता है जिसको आपको सॉल्व करना होता है एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू आंसर ऑफ दैट और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन देख सकते हो क्वेश्चन के लिए आपको सेवन्थ डे देखना पड़ेगा वहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा और इसका आंसर है ए दैट इज लुक अप टू लुक अप टू का मतलब होता है किसी को एडमायर करना किसी को प्रेस करना किसी को पसंद करना सो आंसर आएगा ए लुक अप टू और अगर मैं बात करूँ लुक इन टू की जो बी और सी ऑप्शन दी हुई थी आपको लुक इन टू का मतलब होता है एग्जामिन करना किसी चीज़ को लुक इन टू एग्जामिन करना और एक ऑप्शन था आपके पास लुक अप फॉर उसका मतलब होता है सर्च करना किसी चीज को ओके okay, मैंने आपको तीनों फ्रेज के मीनिंग बता दी और आंसर क्या था उसका ए था दैट इज लुक अप टू मतलब तारीफ करना एडमायर करना किसी को पसंद करना ओके okay, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लिस्ट जिसमें कि क्वेश्चन नंबर वन आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है आपके लिए शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल डैश आई नो ऑप्शंस हैं आपके पास दैट होम एंड हु. कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए सेंटेंस वो सबसे ब्यूटीफुल गर्ल है जिसको मैं जानता हूं तो या तो आपको दैट हुम या फिर हु लगाना है करें इसका आंसर सॉल्व ओके डन तो चलो गाइस मैं बताऊं आपको हो सकता है होम नहीं आने वाला यहां पे राइट right? हुम नहीं आएगा ऑप्शंस आपके यहाँ से बचेंगी दैट या फिर हु कई स्टूडेंट्स हैं होम नहीं लगाओगे तो यहाँ पे आप हु लगा सकते हो आई नो सॉरी होम भी लगा सकते हो आप यहाँ पे हु भी लगा सकते हो मैं अगर आपको बताऊँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूल आप अच्छे से नोट no डाउन कर लो कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद आप अगर बोलो थर्ड डिग्री के बाद सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है जो थर्ड डिग्री गुड बेटर बेस्ट ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल जो थर्ड डिग्री है हमारा सुपरलेटिव डिग्री है उसके साथ आपको हमेशा ही क्या देना पड़ेगा दैट देना पड़ेगा हु या फिर हुम आप नहीं यूज कर सकते हो ओके okay, गाइस तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दैट देना है आंसर क्या है हमारा ए आएगा दैट इज दैट ओके दैट आंसर आएगा हाँ जी तो चलते हैं हमारे सेकेंड नंबर क्वेश्चन की और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल को कवर करता है अपने साथ दैट इज आई डिड नथिंग बट डैश ऑप्शन है आपके पास टू क्राए क्राए एंड क्राइट टू क्राए क्राए एंड क्राइट थ्री ऑप्शन आधे ओके गाइज यहाँ पे मैं आपको बताऊं इंपॉर्टेंट रूल क्या है अगर आप मैंने और कुछ नहीं करा मैं सिर्फ रोया धोया मैंने कुछ नहीं करा मैं सिर्फ रोया धोया अगर मैं बोलूं, मैंने, मैं मैं बोलू, मैंने कुछ नहीं करा मैं सिर्फ सोया तो इस सेंटेंस को आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो रूटीन लाइफ के लिए बोलने के लिए भी यूज़ कर सकते हो चिटचैट में भी यूज़ कर सकते हो आप व्हाट्सएप की जब चैट करते हो वहाँ पे भी आप स्पीकिंग के लिए इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए यूज़ कर सकते हो तो इसका आंसर आएगा दैट इज़ सी क्राई आएगा और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ नथिंग बट के साथ जब लाइन होता है नथिंग बट लाइन में दिखेगा तो आपको यहाँ पर फर्स्ट वो देना है आपको टू क्राई नहीं लगा सकते हो क्राइड नहीं लगा सकते हो सी ऑप्शन आएगा दैट इज़ क्राई ओके ठीक है जी तो चलो चलते हैं हमारे थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर शी सेंट मी एन इन्विटेशन उसने मुझे इन्विटेशन भेजा डैश हर वेडिंग ऑप्शन है आपके पास ऑफ फॉर या फिर टू ओके गाइस हो गया होगा तो देखते हैं शी सेंट मी एन इन्विटेशन ऑफ हर वेडिंग अपनी शादी का इन्विटेशन भेजा उसने फॉर हर वेडिंग या फिर टू हर वेडिंग तो यहां पे अगर मैं बात करूँ जो उसकी वेडिंग है तो वो उसका एक डेस्टिनेशन शो कर रहा है तो इस सेंटेंस में कंफ्यूजन बनी रहती है स्टूडेंट्स को तो मैं आपको बताऊं यहाँ पर आपको सी आंसर चूज करना है दैट इज़ टू और कोई नहीं आपको यूज़ करना है शी सेंट मी एन इन्विटेशन उसने मुझे भेजा टू हर वेडिंग उसकी वेडिंग जो है वो एक एक डेस्टिनेशन है एक प्लान है तो उसके लिए आप टू प्रपोशन यूज़ करने वाले हो राइट right, तो चलते हैं हमारे फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर आई हैव डैश द इंग्लिश टेस्ट मैंने इंग्लिश का टेस्ट ओके okay, तो चलो ए ऑप्शन गिवन बी ऑप्शन टेकन मैंने दे दिया है इंग्लिश का टेस्ट या मैंने टेस्ट ले लिया है क्या करेंगे अगर मैं बात करूं आई हैव आई हैव गिवन इसका मतलब है कि मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दूसरों को टेस्ट कि तुम लोग करो अटेंड करो और अगर मैं खुद बोलना चाहूं कि मैंने इंग्लिश का टेस्ट दे दिया अगर मैं खुद बोल कि मैंने सॉल्व कर लिया अटैम्प्ट कर लिया तो उसके लिए आपको टेकन यूज़ करना है कभी भी गिवन यूज़ नहीं करना अगर आप बोलते हो मैंने आई का एग्जाम दे दिया ठीक है तो उसके लिए आप टेकन यूज़ करोगे कभी भी गिवन यूज़ नहीं करने वाले हो वो मिस्टेक आएगा तो क्या लगाने वाले हो बी ऑप्शन आएगा दैट इज टेकन आएगा तो चलते हैं हमारे फाइव नंबर क्वेश्चन की ओर दैट इज़ शी हैज़ इटर्न नथिंग सिंस यू डैश उसने कुछ नहीं खाया जब से तुम आएगा, आएगा आपके पास लीव ओके okay. लेफ्ट या फिर हैज़ लेफ्ट लीव लेफ्ट या फिर हैज लेफ्ट राइट गाइस ऑप्शन चूज कर लिया आपने तो मैं आपको इंपॉर्टेंट रूल बताऊँ यहाँ पे या उसने कुछ नहीं खाया जब से तुम गए हो जब से तुम चले गए तो जाने का प्रोसेस तो वो तो फास्ट में हो ही गया ना वो तो हो ही चुका है अब उसने कुछ नहीं खाया इफ आई थिंक कि आप यहाँ से चले गए और मैंने कुछ नहीं खाया ठीक है तो इसका मतलब आप जाने वाला तो चला ही गया और मैंने अभी कुछ नहीं खाया है तो उसको हमने रख दिया हैज़ इटर्न में यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में और यहाँ पे आप चूज करने वाले ऑप्शन दैट इज़ लेफ्ट आएगा दैट इज बी ऑप्शन आएगा ओके okay? लीव नहीं आ सकता हैज़ लेफ्ट नहीं आ सकता लेफ्ट आएगा बी ऑप्शन आएगा, आएगा आपका चलो नेक्स्ट चलते हैं हमारे सिक्स नंबर क्वेश्चन की ओर अ पर्सन हु इज़ टॉकेटिव जो बहुत ज्यादा बतूनी होता है बहुत ज्यादा बातें करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग फर्स्ट वन रेटिसेंट सेकेंड वन इंट्रूडर एंड थर्ड वन गैरुलस गैरुलस अब आपको तीनों के मीनिंग पता होने चाहिए अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हाँ जी फर्स्ट वन ए का मतलब होता है रेटिसेंट मतलब रिजर्व रिजर्व नेचर का होना थोड़ा शाई नेचर का होना बी इंट्रूडर का मतलब होता है अननोन

राइट right? तो करें सॉल्व इसको सी ऑप्शन हटा दो बिकॉज यूअर देयर्स नहीं होता है ये पोस्ट वाला देअर्स होता ही नहीं है ओके okay, लैंग्वेज में है ही नहीं है ये इसको हटा दो सी ऑप्शन को तो सी ऑप्शन गया एलिमिनेट करो इसको बचा आपके पास दो ऑप्शन दैट इज फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन और अगर मैं सेकेंड वन की बात करूँ सेकेंड वन की बात करूँ जो देयर है ये वाला देयर कभी भी ये वाला देयर है पोजेसिव एडजेक्टिव और ये कभी भी नाउन के बिना नहीं आ सकता आप मेरी बात अच्छे समझो ये कभी भी नाउन के बिना नहीं आता है अगर मैं ये वाला देयर यूज़ करना चाहूँ जो बी आंसर बी ऑप्शन में दिया हुआ है तो विल से आई वेंट टू मीट देयर फ्रेंड्स मैं वहाँ गया उनके फ्रेंड्स को मिलने को ये हक शो करता है उनके फ्रेंड्स देयर फ्रेंड्स मैंने यूज़ करा देयर बुक्स उनकी बुक्स तो आप देखो पीछे नाउन आ रहा है एक देयर फ्रेंड्स देयर बुक्स देयर पेरेंट्स उनके पेरेंट्स तो पीछे आप देखो एक वर्ड आ रहा है इस देयर के बाद हमेशा एक नाउन एक वर्ड रहेगा ही रहेगा और जो हम फर्स्ट ऑप्शन की बात कर रहे हैं वो पोजेसिव परनाउन है उसके बाद आपको किसी वर्ड की जरूरत नहीं है एंड पे सेंटेंस के जैसे देखो एंड पे क्या आएगा हमारा ए आंसर आएगा दैट इज़ देयर्स एस वाला आएगा तो ये पोजेसिव परनाउन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इसके बाद आपको कोई भी नाउन नहीं देना आपको इसके बाद कोई भी वर्ड नहीं देना तो हमारा आंसर आने वाला है ए दैट इज़ देयर तो चलते हैं हमारे एट नंबर क्वेश्चन की ओर ही वॉज अ वीक डैश मैन ऑप्शन हैं कावर्डली एंड कावर्ड ओके गाइस हो गया, गया दो ही ऑप्शंस हैं कावर्डली एंड कावर्ड अब मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूल बताऊं आपको आप सेंटेंस को वापस पढ़ो ही वाज अ वीक डैश मैन ठीक है तो अगर हम यहाँ पे बात करें मैन वर्ड क्या है मैन वर्ड है नाउन मैन वर्ड एक नाउन है तो नाउन के पहले हमें क्या देना होता है ऑड्जेक्टिव देना होता है जो उसको क्वालिफाई करता है जो उसकी विशेषता बताता है तो यहाँ पे मैं बता दें आपको कि कावर्डली जो एल वाई वाला है फर्स्ट ए ऑप्शन में जो हमने दिया है वही ऑड्जेक्टिव का काम करता है वही एडवर्ब का काम करते हैं का का है. और जो बी ऑप्शन में कावर्ड पड़ा हुआ है वो क्या है वो एक नाउन है वो एक नाउन है खुद एक नाउन है ओके okay, तो इसका आंसर ए आने वाला है कावर्डली मैन डरपोक आदमी डरपोक मैन के लिए हम क्या बोलेंगे जो कावर्ड uh, होता है थोड़ा सा है ना uh, मतलब जो बहुत ज़्यादा ब्रेव नहीं होता है उसके लिए हम कावर्डली यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको ए ऑप्शन कावर्डली यूज करना है कावर्ड आप यूज़ करोगे तो गलत हो जाएगा तो चलते हैं हमारे नाइन्थ क्वेश्चन की ओर आई डैश द हाउस बिफोर माई ब्रदर गॉट देयर आई डैश द हाउस बिफोर माई ब्रदर गॉट देयर मेरे भाई के वहाँ पे पहुँचने से पहले मैंने घर को क्या कर दिया था ए ऑप्शन लीव हैड लेफ्ट या फिर लेफ्ट राइट एलिमिनेट हो गया होगा चलो ए ऑप्शन नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है तो आप प्रेजेंट नहीं यूज़ कर सकते हो लीव तो आप यूज़ ही नहीं करोगे लीव हटा दो उसके बाद बचा आपके पास हेड लेफ्ट या फिर लेफ्ट अगर आप इस सेंटेंस में चेक करोगे तो मैं आपको एक चीज़ और रूल बताऊं, जो कम पहले हुआ अब आप देखो इसमें पहले कौन सा काम हुआ मेरे भाई पहले पहुंचा या फिर मैंने लीव कर दिया तो बिफोर माय ब्रदर गॉड देयर मेरे ब्रदर के वहाँ आने से पहले मैं वहाँ से निकल गया मैं वहाँ से निकल गया जो कम पहले हुआ उसको आपको हमेशा ही किस में रखना है हैड प्लस थर्ड व में रखना है दैट इज़ पास्ट परफेक्ट किस में रखोगे आप पांच परफेक्ट में हैड प्लस थर्ड वो में दोगे तो इसका आंसर क्या आएगा बी आएगा दैट इज हैड लेफ्ट ओके तो चलते हैं हमारे टेंथ नंबर क्वेश्चन की ओर जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद इलेवंथ नंबर क्वेश्चन होएगा आपके होमवर्क के लिए ओके okay, तो चलो यू वुडंट फेल आप फेल नहीं होगे उसके बाद फिलर है डैश है आपके पास क्वेश्चन मार्क है ऑप्शंस वुड यू या फिर विल यू ये क्वेश्चन टैग का इंपॉर्टेंट रूल है डरोगेटिव क्वेश्चन मार्क् तो इसका आंसर मैं अगर बताऊं तो इसमें आंसर में आपको कंफ्यूजन होएगी कि आपको वुड यूज करना है या फिर विल यूज करना है तो इसका आंसर आएगा बी दैट इज़ विल यू क्योंकि ये जो वोंट दे रखा है वोंट वोंट बोलते हैं इसको वोंट को आपको किस में चेंज करना है विल में लेके आना है नेगेटिव सेंटेंस है इसको पॉजिटिव में क्वेश्चन मार्क देना होता है क्वेश्चन टैग किस बनता है पॉजिटिव में तो क्या बन जाएगा वोंट का विल यू बन जाएगा ओके okay तो ये थे हमारे टेन क्वेश्चंस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लो लाइक बटन प्रेस करना मत भूला करो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो बेल बटन को भी प्रेस कर लो सो so दैट जो आने वाली लेटेस्ट वीडियोस होंगी उसकी अपडेशन आपको मिलती रहे इसके अलावा अगर आप कोई भी टॉपिक इंग्लिश का करना चाहते हो आप इडियम्स करना चाहते हो आप प्रेपोजिशन करना चाहते हो टेंसेस करना चाहते हो आपको कैब इम्प्रूव करना है तो चैनल की आप प्ले में जाके सारे टॉपिक्स आप वहाँ से कवर कर सकते हो तो आज का होमवर्क का क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो स्क्रीन पे मिल गया होगा आपको माई पेरेंट्स विल बाय द हाउस डैश इट इज क्वाइट साउंड ये शांत होना चाहिए तो ऑप्शन आप देख सकते हैं आपके पास चार ऑप्शंस आपको दे रखी हैं इसका आंसर मैं बताऊंगी अगली वीडियो में कल की वीडियो में सो so, आज के सेशन में इतना ही गाइस मिलते हैं हमारी कल की वीडियो में नई वीडियो के साथ विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थैंक यू सो मच